हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा 15% का एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो चुका है। इसके रजिस्ट्रेशन जो है 4 जनवरी 2021 से शुरू हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग वगैरह, पेमेंट वगैरह सभी छात्र जो है इसमें स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की देखना किस तरह से होगा, क्योंकि ये एमसीसी ने बोला था, ऑफिशियल नोटिस जो रिलीज किया गया था उसमें ये साफ कहा था कि जो भी कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हों, वो पहले कैंडिडेट जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, मान लीजिएगा आप डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस डीम्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लें। दूसरी बात, अगर आप एम्स में कर रहे हो तो एम्स की वेबसाइट से जाकर अपना क्राइटेरिया चेक करें। तो एमसीसी ने ये ऑफिशियल अपडेट में कहा था, ऑफिशियल नोटिस में कहा था, और मैंने आपको बताया भी था। लेकिन इसके रिगार्डिंग छात्र मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप इसको बता दीजिएगा कि किस तरह से हमको चेक करना है। तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, और जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उस नोटिस में क्या बताया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ से देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है एम्स ने रिलीज किया है न्यू दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली से रिलीज किया है न्यू दिल्ली एम्स ने। सब्जेक्ट में देखिए बोला गया है कि स्ट्रे वैकेंसी राउट ऑफ MBBS फॉर ऑल एम्स। ऑल एम्स का मतलब है फ्रेंड्स कि इंडिया के अंदर जितने भी एम्स है, टोटल 19 एम्स कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, उन सभी के लिए यहाँ पर बोला है। क्योंकि जो काउंसलिंग कंडक्टिंग अथॉरिटी जिसको दी गई है वो एम्स न्यू दिल्ली को दी गई है, और जितना भी प्रोसेस रहेगा ठीक है सब न्यू दिल्ली द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा, जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है ठीक है। 2020 सेशन टू बी हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2021 एट 9 AM एट जवाहरलाल ऑडिटोरियम एंड JL ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईस्टर वैकेंसी राउंड का ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग चल रहा है, जिसमें आपका एम्स कॉलेज रहा ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाइक जिस तरह से AMU आपका हो गया, BHU आपका हो गया ठीक है, BHU के बाद आपका ESIC हो गया, BMMC हो गया ठीक है, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हूँ। कौन सा आपको यूनिवर्सिटी लेना है, मान लीजिएगा किसी कोई छात्र ऐसा है जो कह रहा होगा कि हमें सर डीम्ड यूनिवर्सिटी ही चाहिए, तो आप ऐसा कीजिएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के अपनी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। AMU चाहिए तो AMU की वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं, BHU चाहिए तो BHU की, BMMC चाहिए तो BMMC की वेबसाइट पर, ESIC चाहिए तो उस पर जाकर एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एम्स चाहिए तो एम्स के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जनवरी 2021 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स न्यू दिल्ली ने रिलीज किया था एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए। यहाँ बोला गया है कि द एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड फॉर फिलिंग अप द MBBS सीट्स फॉर 2020 सीजन फॉर ऑल 19, यहाँ दिया है कि ऑल 19 एम्स इंस्टीट्यूट विच रिमेंड वैकेंट आफ्टर मोपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड अदर सीट विच फेल वैकेंट बाई वे सरेंडर रिजाइनेशन एक्सेट्रा आफ्टर कन्फर्मेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड एंड मोपअप राउंड विल बी हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2021 8:30 यानी 8:30 सुबह के जवाहरलाल ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली एम्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनको 90 एम्स में से यानी 19 एम्स भारत के अंदर हैं, इनमें से किसी छात्र को भी 119 सीट अभी वैकेंट है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, अगर किसी को सीट इसमें से मिल जाती है तो सभी कैंडिडेट्स जो है अपनी काउंसिलिंग प्रोसेस के लिए 12 जनवरी 2021 को सुबह 8:30 जवाहरलाल ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली में जाकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। लेकिन यहां पर यह भी बोला गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स वैकेंट सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड और मोप राउंड ऑल इंडिया कोटा में सीट को रिजाइन कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, तो वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एम्स सेल आल्सो टू हेल्ड 13 जनवरी 2021 फ्रॉम 8:45 ऑनवर्ड। और यहाँ पर बोला गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे ठीक है, उनका जो सीट होल्डिंग जो रहेगा वो 13 जनवरी 2021 को यहाँ बोला गया है। और उसके बाद देखिएगा, एन अपडेट लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट विल बी डिस्प्लेड ऑन डेट इज एम्स एग्जाम्स डॉट ओ आर जी बाई 11 AM एट 9 जनवरी 2021। और यहाँ पर बोला गया है कि जो 9 जनवरी को इसकी जितनी भी वैकेंट सीट होंगी एम्स के लिए वो सभी डिस्प्ले कर दी जाएंगी ठीक है। एज की बात की गई कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कौन कैंडिडेट जो है 17 वर्ष से जो है 31 दिसंबर तक 17 साल के हो गए हों वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ठीक है।
और यहाँ पर बोला गया कि कैंडिडेट्स बॉर्न ऑन आफ्टर 2 जनवरी 2004 आर नॉट एलिजिबल, 2 जनवरी 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप स्ट्री वैकेंसी राउंड में एम्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, वो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स देखिएगा यहाँ पर कि मिनिमम एग्रीमेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स ऑफ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एग्रीगेट मार्क्स ओबीसी कैंडिडेट के लिए 60% होने चाहिए, यानी ओवरऑल मार्क्स आपके 60% होने चाहिए, एससी एसटी के लिए 50% होने चाहिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 45% और जनरल और ओबीसी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे स्ट्री वैकेंसी राउंड एम्स के लिए, ठीक है। तो वही कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, स्ट्री वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन एज पर द शेड्यूल, ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन भी ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा न्यू दिल्ली एम्स में। 12 जनवरी 2021 ड्यूरिंग स्ट्री वैकेंसी राउंड एमबीबीएस फॉर 19 एम्स फर्स्ट यूआर काउंसलिंग और डन एंड आफ्टर यूआर काउंसलिंग इज ओवर ओबीसी काउंसलिंग विल बी डन फॉलोड बाय एससी एसटी काउंसलिंग, ठीक है। जो स्ट्री वैकेंसी राउंड का जो एम 19 एम्स है, ठीक है, उनका यहां पर बताया गया है कि 12 जनवरी को 2021 को करवाया जाएगा इसका जो शेड्यूल में जैसे कि दिया गया है, ठीक है। तो कुछ ये कंडीशन है जो कि फ्रेंड्स बकाया ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, बस वो कंडीशन होती है कि अगर आपको जैसे बोला गया है यहाँ पर कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी होल्डिंग ए सीट राउंड वन टू और मोपअप राउंड विल बी नॉट अलाउड पार्टिसिपेट इन स्ट्री वैकेंसी राउंड, अगर आपको राउंड वन राउंड टू मोपअप राउंड में सीट मिल गई है और आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इसके लिए अलाउ नहीं रहेंगे स्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर रहती है। उसके बाद आगे देखिएगा कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड, कैंडिडेट कौन अलाउड नहीं होंगे अटेंड स्ट्री वैकेंसी राउंड, स्ट्री वैकेंसी राउंड में कैंडिडेट अलाउड नहीं होंगे विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप इश्यूड बाय एमसीसी फॉर स्ट्री वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। स्ट्री वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए एमसीसी से आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसके 4 से 6 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर आपके पास नहीं होती है तो आपको काउंसलिंग में अटेंड नहीं दिया जाएगा। जब आप एम्स न्यू दिल्ली में जाएंगे अपना एडमिशन के लिए तो वहां पर आपको एडमिशन नहीं लेने दिया जाएगा, ना ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप स्लिप को नहीं ले जाते हैं तो, ठीक है। तो बस ये कंडीशन रहती है, ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं है। और इस तरह से ही आप अपने सभी पे चेक कर सकते हैं, डीम्ड की वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप स्ट्री वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलिएगा फिर नेक्स्ट वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और जो भी दिक्कत परेशानी छात्रों को हो तो मुझसे कमेंट में अवश्य पूछिएगा।